The cost of 3 kg of rice is 180 rupees. The cost of 8 kg of rice is equal to 5 kg of pulses. The cost of 15 kg pulses is equal to 2 kg of tea. The cost of 3 kg tea is equal to 6 kg of walnuts. What is the cost of 10 kg of walnuts? Okay. सबसे पहले क्या दिया है, 3 kg राइस का दाम दिया है कितना, 180. तो 1 kg का क्या होगा, 180 बाई 3 यानी कि 60 रुपीज़ होगा वहाँ 1 kg राइस का. उसके बाद क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस, 8 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्सेस एंड अनदर 15 kg ऑफ पल्सेस, kg ऑफ पल्सेस इज इक्वल टू 2 kg ऑफ टी. ओके देन 3 kg of tea is equal to 6 kg of walnuts. So यहाँ से मैं R और P का निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, रेशियो 5:8 और यहाँ से PT का 2:15 एंड देन TW का 6:3 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, 3 × 3 = 32 जा 1/2 आ गया. ओके तो आप देखिए क्या क्या है मेरा, R/P × P/T × T/W इक्वल्स टू क्या क्या है मेरा, 5/8 × 2/15 × 2/1. ओके कैंसिल कीजिए, 2 × 2 = 4 × 2 = 4 = 200. ओके कैंसिल हो गया, 5 × 5 = 3 × 15 यानी कि 2 × 3 = 6, 1/6 आ गया यहाँ पे, इक्वल टू 1/6. यहाँ पे पी कैंसिल, टी कैंसिल यानी कि राइस इज टू व्हीट, राइस और डब्लू का मेरा आ गया रेशियो 1:6. सो क्वेश्चन में क्या है, 1 kg राइस का दाम 60 रुपये, यानी कि राइस का जगह में मैं 60 लिख सकता हूँ. वॉलनट्स इक्वल्स टू 1/6 यानी कि वॉलनट्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा, 6 × 36 360. क्वेश्चन में पूछा गया है 10 kg का पूछा है, तो 10 से इन मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 3600 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी माय आंसर. थैंक यू.